बड़वानी से। डीजल के बढ़े दामों ने निकाला बस ऑपरेटरों का दम। 85 रुपए क्रॉस हुआ डीजल का दाम, 2 वर्षों में लगभग 30 रुपए बढ़ा है डीजल का दाम। लेकिन किराया वही, अगर यही हालात रही तो फिर थमेंगे बसों के पहिए। बड़वानी डीजल के भाव इन दोनों आसमान पर हैं, जबकि किराया आज भी वही है। बस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष की माने तो 2018 में बसों का किराया बढ़ाया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक किराया वही है, जबकि डीजल का भाव बढ़ता गया। उनके अनुसार जब 2018 में बसों के किराए में वृद्धि हुई उस समय डीजल के दाम 57 से 58 रुपए लीटर थे, जबकि उसके बाद डीजल के दाम लगातार बढ़ते गए और 85 रुपए लीटर क्रॉस कर दिया। लेकिन किराया वही है, ऐसे में बसों का संचालन करना अब बस ऑपरेटरों के बस में नहीं, जिसको लेकर उन्होंने मांग की कि सरकार या तो टैक्स में कटौती करे या किराया बढ़ाया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो बसों का संचालन बंद करने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। व्यापार तो भैया हमारा कुछ कह ही नहीं सकते कि हम कैसे गाड़ियां को संचालन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार डीजल में जो वृद्धि हो रही है इससे हमारा गाड़ी चलाना बहुत असंभव की बात है। हमारा जब किराया 2018 में बढ़ा था करीब 57 से 58 रुपये लीटर पर डीजल था, लेकिन आज 86 रुपये लीटर के आसपास डीजल पहुँच रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम गाड़ी चलाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारा गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि वो टैक्स या तो कम करे या हमारा किराया बढ़ाए, कुछ भी करे तो रास्ता निकले, नहीं तो हम अभी गाड़ी चलाने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि डीजल के पैसे भी नहीं आ रही है स्थिति अभी। अगर ये स्थिति रहे तो क्या होगा? ये स्थिति रहे तो फिर हम हड़ताल की ओर जाना पड़ेगा हमारे को। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।